सत्ता को जागृत करता है, आपके शरीर में जो देव सत्ता है, और जो ये दूसरा घी है ये उन्हें सुला देता है। शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं, जब 99 पूरे हुए उसके, तब तो देवताओं के मुख से श्री चली गई, देवता काले हो गए। अभी तक जो जंगलों में, शिलाओं में, गुफाओं में, हरितिमाओं में कहीं छुपते डोल रहे थे, जिनके घर परिवार को असुरों ने छीन लिया था, जब रोगी बने छुपते छुपाते डोल रहे हैं। और जैसे ही उसके 99 यज्ञ पूरे हुए, कि अगले यज्ञ के होते ही परमानेंट आप स्वर्ग से बेदखल हो जाओगे, पूरी धरती का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि ओजोन परत तो रोक नहीं पाएगी आपकी गर्मी को, शरीर चिल्ला उठेगा, कैसे जियोगे? जब वायु प्रदूषित हो जाएगी, घर के किसी कोने में, बुखारी में, किसी बेड के नीचे, संदूक के पीछे कहीं छुप जाना, वायु वहां पहुंच जाएगी, वहां जाके मार देगी, कैसे बच पाओगे वायु से? तो जैसी 99 यज्ञ हुए तो उसकी तपिश देवताओं तक पहुंच गई, वो जहां थे वहां वहीं मलिन हो गए, उनके चेहरे काले हो गए। उधर गुरु असुरों से दान करा रहे हैं, गुरु असुरों से पुण्य करा रहे हैं, गुरु असुरों से श्लोक बुलवा रहे हैं। जैसे 99 यज्ञ हुए, पूरे देवगण विचलित हो पड़े। अदिति ने भगवान से फिर प्रार्थना करी, भगवान बोले पयोव्रत करो, मैं आऊंगा, मैं उससे छीन नहीं सकता, उससे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि 99 यज्ञ करके बैठा है, वो मेरे ही तो यजन कर रहा है, मैं उससे हाथ पसारूंगा, अपने भक्तों के लिए मैं उसके सामने भिक्षुक बन के जाऊंगा, मैं उससे मांग के लाऊंगा, मैं छीन नहीं सकता, इस बार मैं आपके लिए उनसे मांग के लाऊंगा। देखो तो नारायण की दयालुता, बार बार अपने भक्तों के लिए अपने नियम को तोड़ देता है, उसकी दया का कितना विशाल हृदय है, कितना कृपा सिंधु है, कि बार बार वो स्वर्ग को असुरों से छीन के उन्हें दे रहा है, और देवता अपनी वृत्तियों के गुलाम होके बार बार उस वैभव को खो रहे हैं। भगवान वामन बन के आ गए, पंचायती भगवान, वामन स्वरूप धारण करके आ गए। एक ऐसे भगवान जिसको माला किसी ने दी है, जनेऊ किसी ने दिया है, कमंडलू किसी ने दिया है, छत्र किसी ने दे दिया, ऐसे पंचायती भगवान। और ऐसा नहीं है कि देवता सिर्फ विष्णु के पास गए थे, जब देवताओं को भय लगा कि 99 यज्ञ पूरे हो गए तो वो सबके पास गए, वो शिव के पास गए कि भगवान हमारी रक्षा करिए, उससे छीन नहीं सकते तो मांग ही लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा उससे कोई नहीं छीन सकता, मांगने कौन जाए? यम वरुण कुबेर तो घबरा गए, बोले बहुत मारेगा, हम नहीं जा सकते। देखते ही शिव बोले मैं बहुत बोला हूं, मैं भीख मांगने गया, पकड़ा जाऊंगा, समझ में नहीं आएगी क्या मांगना है, क्या देना है, क्या लेना है, मुझे कुछ आता नहीं। ब्रह्मा बोले मुझे वो जानता है, पहचानता है, कई बार देख चुका है, मैं जाऊंगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। भगवान वामन बन के आ गए, छोटे से वामन अंगुल के सूर्य जैसे, जब भगवान का श्रृंगार हो गया, भगवान का जब श्रृंगार हो गया, उन्हें मेखला दे दी, उन्हें सजा दिया, तो वो चलने लगे वहां से।
वहां से चलने लगे। तो असल में भगवान को जब बुलाया जाए तो वो आ तो जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता बिल्कुल भी कि नारायण को बुला था और वो आए नहीं। यद्यपि देवताओं ने उनके कहे हुए आचरण पर नहीं चले, लेकिन फिर भी वो आए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम